गायिका लता मंगेशकर अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लता मंगेशकर की तबीयत को लेकर उनकी टीम लगातार जानकारी दे रही है। 90 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर बीते सोमवार से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। उनके निधन को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इसको देखते हुए लता मंगेशकर की मीडिया टीम ने उनकी तबीयत की जानकारी दी और लोगों से इस तरह की अफवाह न फैलाने का अनुरोध किया। लता मंगेशकर की टीम के अनुसार उनकी तबीयत पहले से ठीक है। लोगों से अनुरोध है कि अफवाह न फैलाएं। आइए हम उनकी लंबी उम्र की भी दुआएं करें। इससे पहले लता मंगेशकर के परिवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि लता दीदी अब पहले से बेहतर हैं। सभी की दुआओं के लिए शुक्रिया। हम उनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं और हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। गायिका को लाइफ सपोर्ट सिस्टम जीवन लक्ष्य प्रणाली पर रखा गया है। लता मंगेशकर की तबीयत को लेकर उनकी टीम लगातार जानकारी दे रही है। गौरतलब है कि लता मंगेशकर के अस्पताल में भर्ती होने की बात सामने आते ही फिल्मी जगत से लेकर राजनीतिक हस्तियां और आम लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।